हाय गाइस, वेलकम बैक। आम एक ऐसा फल है जिससे आप कई तरह की रेसिपी बना सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आम का मैंगो शेक पीना शायद ही किसी को अच्छा न लगता हो, लेकिन हम आपको बताते हैं कि गर्मी के सीजन में आम से मैंगो जूस कैसे बना सकते हैं। तो गर्मियों के सीज़न में हम आम से मैंगो का एक स्वादिष्ट मूस बना सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आता है, काफ़ी टेस्टी होता है और ये स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने दो बड़े साइज के मैंगो ले लिए हैं और इनको हम छील लेते हैं। ये मिनटों में तैयार होने वाला डिजर्ट है। मैंगो मूस में अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे बनाने के लिए हमने आम का गूदा, पिसी हुई चीनी और मलाई के साथ हमने इसको तैयार किया है। तो देखिए, ये सबसे पहले हम इसको छील लेते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा आम भी छील लेंगे। तो जैसा मैंने बताया आपको, ये मिनटों में तैयार होने वाला डिजर्ट है। मेहमानों के आने पर इसको बनाना चाहिए और आम के टुकड़ों से इसको गार्निश करते हैं और ठंडा करके ही इसको सर्व करते हैं। देखिए, इस तरह से आम को हम टुकड़ों में काट लेंगे और इसकी गुठली को हम अलग कर देंगे। देखिए, यहाँ पर हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। इसको हम आम को छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसमें भर लेंगे। सभी आमों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब ये हमने कटे हुए आम को मिक्सी में जार में डाल लिया है और उसको हमने पीस के उसका गूदा तैयार कर लिया है। अब हम एक बाउल में क्रीम ले लेंगे। 4 से 5 चम्मच क्रीम ले लेते हैं। अब एक बाउल में क्रीम को डाल लिया है और उसे बीटर की सहायता से बीट कर सकते हैं या फिर इस तरह से चम्मच से तेज चला के इसको बीट कर सकते हैं, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट और गाढ़ी हो जाएगी और थोड़ी फ्लफी हो जाएगी। इस पॉइंट पे हम जूस में इसको डाल दें और साथ में हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अगर आप चीनी, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि मिक्सी में जब आप आम का गूदा बनाएंगे उस पॉइंट पे ही चीनी डाल लेंगे, तो वो गूदे के साथ में पिस जाएगी। यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, मूस बनकर एकदम तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा हम चम्मच से और फेंट के थोड़ा फ्लफी कर लेंगे और ये बहुत गाढ़ा है। अब हमने 3 बाउल ले लिए हैं, उसमें हम इस जूस को, तैयार मैंगो मूस को ग्लास में डालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ध्यान रहे, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। लगभग 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं। तो या तो आप इनको ऐसे ही भी खा सकते हैं, वरना तो इनको थोड़ा गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चौकोर साइज के छोटे छोटे टुकड़ों में मैंगो को काट लिया है और इसके साथ ही आप तुलसी या पुदीना की पत्ती रखें।
अब तैयार मूस को कटोरे में डाल के ड्राई फ्रूट और जेली से भी गार्निश कर सकते हैं और इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करें। तो फ्रेंड्स, ये मैंगो मूस की रेसिपी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।